दिल्ली में फिर बाहर आया सीलिंग का जिन। न्यू राजेंद्र नगर की शंकर मार्केट में एमसीडी और मॉनिटरिंग कमेटी ने कई दुकानें और बेसमेंट में चल रही कमर्शियल गतिविधियों को सील कर दिया है। सीलिंग की इस कार्यवाही से व्यापारी वर्ग काफी नाराज है। वहीं व्यापारियों ने सरकार के इस कदम को दमनकारी नीति कहा। सीलिंग को लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा है और उनका ये भी कहना है कि सीलिंग के चलते दुकानदारों के साथ साथ लेबर वर्ग भी बेरोजगार हो रहे हैं, तो इस स्थिति में वो कहां जाएंगे? लोगों की रोजी रोटी आप छीन रहे हो, जो लोग इतने दिनों से यहां विस्थापित हैं उनको आप उठा रहे हो, हटा रहे हो यहां से, और सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, अमानवीय व्यवहार है। लोग, जनता और व्यापारी देखो सारे बेरोजगार हो रहे हैं। जो लोग कल तक रोजगार देते थे आज वो बेरोजगार हो रहे हैं। इस टाइम की गवर्नमेंट को चाहिए जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में कुछ सोचा जाए। ये लोग जब बेरोजगार हो जाएंगे, एक एक बिल्डिंग में 500 परिवारों का इफेक्ट होता है इस चीज से। 25-25-30 एम्प्लाईज हैं, हर आदमी बेरोजगार हो रहा है, उनको वो मालिक पे कहाँ से देंगे? दिल्ली से करुणा ठाकुर के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।